ओम शांति। 19/6/2022 के अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रविवार का मुरली है। ओरिजिनल डेट है 6/4/91 माधवन। कर्मातीत स्थिति 3 शनिया। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे, जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारा बन रहे ना कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारा बन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, अच्छा हो या बुरा हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे और यह स्थिति आखिरी में होगी, है ना। तो अभी वृद्धि को पा रहे हैं, लेकिन अभी कर्मातीत कोई हुआ नहीं, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता है, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना, जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अर्थात न्यारा और बाबा का प्यारा, है ना। न्यारा रहेंगे तब तो बाबा के प्यारे रहेंगे, न्यारे नहीं रहेंगे तो यहीं बने रहेंगे, है ना, फिर प्यारे नहीं हो पाएंगे। तो कर्मातीत अर्थात न्यारा हुआ तो प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन की खींच लेती, मन को खींच लेती है। ऐसी स्थिति है जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। जब हम खुशी में किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं तो हमें भारीपन नहीं लगता, है ना। और जब हम यह समझकर कर्म करते हैं जो जबरदस्ती, है ना, कि शरीर थक गया, हाय रे किस्मत फूटी, हाय रे मैं तो पूरे दिन लगी रहती हूँ, हाय रे, तो वो खुशी से नहीं होने से हम क्या होता है, थकावट महसूस करते हैं, है ना। और पूरे दिन किया और शाम को किसी ने उस पूरे दिन के काम को ऐसे कुछ कह दिया कि ये तो बहुत बुरा हुआ है, तो आप पूरे दिन में नहीं थके, लेकिन उसके सामने वाले की एक बात से आपका पूरा काम करने में जितना नहीं थके उतने उसकी बात से हम थक जाते हैं, है ना, हम निराश हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम अपना कर्म ऐसा समझेंगे कि हम कर रहे हैं तो हमें भारीपन रहता है, और मैं इस शरीर में हूँ, कौन हूँ, आत्मा, जो कर्म कर्म इंद्रियों द्वारा कर रही है, तो हल्कापन, मालिक कोई और है ना। तो इस तरह परमपिता परमात्मा, यदि हम उनके साथ कनेक्शन रखते हुए, कर्म में रहते हुए उनसे कनेक्ट करते हैं खुद को, तो ताकत हमारी नहीं उसकी रहती है, तो फिर थकावट कैसे रहेगी। जब आपका ही नहीं है तो आपको थकावट कैसे महसूस होगी। तो ये जो परमात्मा का साथ है उसको सिर्फ आपको अनुभव करना होता है, और अनुभव जब आप करते हैं तो आप बलशाली हो जाते हैं, आपको बल महसूस होता है, और बल उसका होता है तो आपको कभी भी हल्कापन ही रहेगा, भारीपन नहीं रहेगा। अच्छा, तो इस तरह से और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। तो आत्मा के हल्केपन की निशानी है आत्मा की
जो विशेष शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, यह तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा जैसे पाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं। यह मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियाँ जो हैं, तीनों में लाइट हल्का अनुभव करेंगे। सूक्ष्म शक्तियाँ अनुभव कराते हैं कि हम हल्के हैं, है ना। वैसे भी आत्मा का माना क्या है, हल्का, लाइट। हल्का होने से ही तो उड़ेंगे ना, लाइट रहेंगे तभी तो उड़ेंगे। बोझ रखेंगे तो कैसे उड़ेंगे, अगर चिंताओं का बोझ या इस शरीर का बोझ या किसी भी तरह की कोई परेशानी का बोझ रहेगा तो हम कैसे हल्के होंगे, कैसे लाइट बनेंगे, और लाइट नहीं बनेंगे तो उड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो हम पंख कटे होते हैं, हमारे पंख कब लगते हैं, जब हम हल्के होते हैं ना, तो उड़ पाते हैं। तो इस तरह से जो भी हम करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं जो सूक्ष्म हमारी जो सूक्ष्म स्थिति है ना, शक्तियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, रिपीट किया मैंने। तो यह मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियाँ जो हैं, तीनों में लाइट हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा उतना ही अन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध, लाइट हल्के होते चलता रहेगा। तो इस तरह होते जाएंगे और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। अभी तो और जास्ती बढ़ना है ना बाबा कहते, तो प्रकृति का भी भारीपन होगा, आपदाएं, है ना, प्रकृति से भी तो पेपर आएंगे, तो मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा, होगा कि नहीं। तो इस तरह बाप हमको कहते हैं कि जब इस तरह से बाहरी प्रकृति का, तमो प्रधान दुनिया का जो भी भारीपन है ना, पापा कहते हैं वो और भी होगा तो अनुभव करेंगे कि प्रकृति का भी भारीपन है, मनुष्य आत्माओं का भी, वृत्तियों का है, सोच का है, है ना, नेगेटिविटी का है, तो वो एनवायरनमेंट को कैसा करेंगे, भारी करेंगे ना। तो इस तरह से इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। जो आपकी स्थिति रहेगी ना, बलवान स्थिति, है ना, श्रेष्ठ स्थिति, तो वह सामने वाले को भी हल्का करेगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना, कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता, अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सब रीति से संभव, असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। अच्छा, 19/6/2022 प्रातः मुरली, ओम शांति, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज है 10/4/91 मधुबन। दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्मा मालिक, बाबा कहते परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो, अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है, नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो।
वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब खुश नसीब भी हो और सदा खुशी के खुरा खाते और खिलाते हो। दिल खुश मिठाई खिलाना है, ना कि लौकिक डब्बे को ले आना है, स्थूल डब्बे को, और उसको खिलाने से अंदर मन में कड़वापन है और आप सामने से मिठाई खिला रहे हैं तो वो दिल खुश मिठाई नहीं। दिल खुश मिठाई होने का, खिलाने का मतलब होता ही है अंदर श्रेष्ठ स्थिति, खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते रहो, है ना। खुद में भी अपना अंदर में खुशियाँ और सामने वालों को भी लुटाओ, है तो दिल खुश बनाओ और बनो तो साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो, औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो, बन गए हैं या अभी बनना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना, ऐसे ब्राह्मण होना। सिपाही खुशी के और जीवन ही क्या है, जीवन ही खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही क्या है, जीना है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो, पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया यह स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती है। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की गुप्त दुआएं प्राप्ति, जो दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं, इस वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है, और ये झलक अविनाशी होनी चाहिए, क्योंकि हमें अविनाशी बाप मिला है और हमारे बिछड़े हुए पिता से हम मिले हैं। भाग्य विधाता की हम संतान हैं, भाग्यशाली बन गए जब भगवान के हो गए तो भाग्यशाली बन गए, तो ये प्रसन्नता ये संतुष्टता की झलक दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देती है। तो पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है। अब जो दाता विधाता वरदाता जो संसार को दे रहा है, तो फिर हम कहाँ किसी से ऐसा समझें कि कोई हमें लौकिक जीवन में इस लौकिक मान नाम शान के पीछे हम रहें, जबकि हमें पता है कि दाता तो वो है ना, जो देते देता ही जाता है। तो और से हमें क्या चाहिए, इस तरह से अभिमान और अपमान से बेफिक्र, है ना। तो कारण बाबा कहते हैं कि पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है पुण्य आत्मा। पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है, जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसे पुण्य आत्मा विश्व के राजे के तख्त नशीन बनती हैं। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो स्वभांजी कहेंगे ना, हैं भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन बादशाह बाबा कहते लेकिन नंबर वन है कि सब नंबर वन है, नंबर वन है या सब नंबर वन है, क्वेश्चन मार्क नंबर है ना, नंबर वार है। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे, जो बाबा की रचना में जाएंगे, रचता बाप रच रहे हैं, उस सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे, सभी इकट्ठे बैठेंगे नहीं ना, तो नंबर वार है ना। नंबर क्यों बनते हैं, कारण एक विशेष बात, बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर वन बनने में
रुकावट डालती है। ध्यान से सुनिए बाबा की यह बात। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबर वार बनने का है, संपूर्ण बनना है या ना बनना है ना, तो आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिखकर लगाते भी हो, वह है सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो, है ना, तो दुख ना दो और ना लो, यह स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा, दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का टेंशन है लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया, बहुत समझने की बात है, इसलिए हुआ, इसने यह कहा, इसने यह कहा, इसलिए यह हुआ, ऐसी जजमेंट देते हो ना, अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो, तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन, फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों, किसने कहा आप लोग है? जब हम रास्ते में कहीं चलते फिरते आते हैं, यदि कोई पागल रहता है जिनका माइंड डिस्टर्ब रहता है, यदि वो गाली देता है तो आप क्या कह के उसे छोड़ देते हैं, नकार देते हैं, मन पर बोझ बनाकर नहीं रख लेते हैं, क्योंकि वो पागल है, और कोई अच्छा विवेक पूर्ण व्यक्ति यदि आपको दो बातें सुना देता है तो आप दिल पर रख लेते हैं, बुरा लग जाता है, दुखी हो जाते हैं, दुख ले लेते हैं, उसकी बात क्यों नहीं ली, इसको भी आप क्या समझकर छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। तो किसने कहा आप लोग, बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से, तो ना दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्यात्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, तपस्वी अर्थात परिवर्तन, तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी, ग्लानी को प्रशंसा समझो तब कहेंगे पुण्यात्मा। जगदम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानी की दृष्टि से नहीं, वह गाली देवे आप फूल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्यात्मा। ग्लानी वाले को दिल से लगाओ, दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, कोई ऐसे नहीं कि गले लगना, देखिए बाहर से गले लगाना अंदर से कुछ है तो फायदा ही क्या है, अंदर से गले लगाना है, बाहर से गले नहीं लगाना है, अपनी जो श्रेष्ठ स्थिति वाली जो आपकी स्थिति है ना, श्रेष्ठ संकल्पों की स्थिति से बदली करना है ना, तो बाहर से नहीं अंदर से गले लगाना है, लेकिन मन से, तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही है, यही बात बननी है, मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं लेकिन लेना भी नहीं है, जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो, हाँ अच्छी बात है क्या दुख लेना, तो जहाँ दुख लिया किचड़ा जमा हुआ तो किचड़े से क्या निकलेंगे, पाप के अंश रूपी जम्स, अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूह रेहान तो सभी करते हैं ना, एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, ऐसे हम करना तो नहीं चाहते थे हो गया, जब आप नहीं चाहते थे, आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता, जो कहते हो गया, और कोई आत्मा है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, यह कौन बोलता है, और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो, तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करने नहीं चाहते, वह ना होना ही, ना करना ही पुण्यात्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं, बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते जो सुनते रहो, कोई लंबी कहानी बताने में आदती है, कोई छोटी बताते लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना, सभी टुब्बी लगाने आए हो ना, जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं, तो
डुबकी लगाने आए हो ना, पापा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं, तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। जो डुबकी लगाते हैं तो कुछ ना कुछ मन्नत रहती है ना, या कुछ अपना एक अवगुण देते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं ना, तो तब फिर स्वाहा करते या स्वार्थ रखते हैं, कुछ मांग रखते हैं, तो दोनों से संकल्प करते हैं। तो तब तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं, दुआएं दो दुआएं लो। प्रकाशमणि दादी का यही स्लोगन था, सिर्फ दुआएं दो और दुआएं लो, यही एक संगम योग है जहां आपको दुआओं का खाता जमा करना है, पुराने विकर्मों का हिसाब चुकता करना है, अभी के लिए करना है और आगे भविष्य के लिए भी इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं कि अभी कमाया खाया पिया और डकार मार ली, फिर आगे क्या होगा। तो इस तरह से दुआओं का खाता जमा करना है, हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी, ऐसी रिजल्ट पर प्राइस मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइस सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर, निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती है। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे, अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइस में आते हैं, टीचर्स के आते या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप दादा के पास प्राइस बहुत हैं, जितना चाहो ले सकते हो, प्राइस की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं, मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई, बारिश ने भी स्वागत किया, प्रकृति का भी आपसे प्यार है, घबराए तो नहीं ना, ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना, 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला ना, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, इतना बड़ा हॉल जो बनाया है तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई ना, हॉल को सफल किया ना, किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना, लेकिन ऐसे नहीं मेला करते रहना, रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्यात्माओं को सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दाता का याद प्यार और नमस्ते। बहुत ही प्यारा बाबा का आज हमें स्लोगन भी मिला और बाबा ने इतने सारे हमको टाइटल भी दिए, इतनी अच्छी बातें बताई महावाक्यों में। अच्छा, दादियों से बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की, इसके लिए शुक्रिया क्या करें, लेकिन खाता बहुत जमा हुआ, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पदम गुणा से भी ज्यादा हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी हुई है, रखी है, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा है, इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना, छोटी माला मजबूत है, कंगन तो बना है, माला तो नहीं बनी, कंगन है, कंगन तो है ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है, बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वह भी हो जाएगी, होनी ही है। सुनाया था ना, बड़ी माला के दाने तैयार हैं, लेकिन दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है, छोटी माला अच्छी तैयार है, इसी माला के कारण ही सफलता सहज है और सफलता सदा माला के मणकों के गले में पिरोई हुई है। विजयी का तिलक लगा हुआ है, बाप दादा खुश है, पदम गुणा मुबारक है, निमित्त तो आप है ना, बाप तो करण करावनहार है, करने वाला कौन है, करने के लिए निमित्त आप हो, निमित्त बाप तो बैकबोन है, इसलिए बहुत अच्छी प्रीति
की रीत भी निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई। आज का बाबा ने वरदान बच्चों को दिया, तो लूट लो वरदान। वरदान है अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोल बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है, यह या अटेंशन की परहेज में कमी है। आज का स्लोगन, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। कर्म योगी माना इस शरीर में आए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म करते करते योगी किससे योग लगाना है? ईश्वर से, परमात्मा से, मन बुद्धि से जुड़े रहना है। उधर करंट लगा रहे और यहाँ चलता रहे, तभी तो बिजली का पावर, हम बिना थोड़ा भी हिल जाता है तो कैसा हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है ना, फिर वो लिंक नहीं रहती है तो उसमें करंट पास नहीं होता तो वो वर्क करना बंद कर देता है। मोबाइल का चार्जर भी अगर थोड़ा भी कनेक्ट नहीं हुआ तो चार्जिंग बंद हो जाती है ना। तो यदि आप नहीं रहेंगे कर्म में करते हुए परमात्मा से, उसके साथ में करंट नहीं आपके अंदर प्रवाह होगा, तो फिर कैसे आप जो है दुखी नहीं होंगे ना? सुखी तो तभी होंगे जब उनके साथ में आप कनेक्ट रहेंगे कर्म करते हुए। अच्छा सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने स्वयं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्वात्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। प्रकृति को क्या करना है? लाइट और माइट देने की सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को।